बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है बाहर से, तो अभी देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखा है। हाँ? बहुत ही बढ़िया खुशबू के साथ में, तो ये नारियल का तेल है जो होममेड है, और ये नारियल का बुरादा निकला है, बुरादा नहीं बोल सकते उसका, वैसे ही जो निकलता है उसको वही निकला है हुआ है, और ये नारियल निकला है, नारियल का तेल बेबी के लिए। ये बेबी के नाना जी जो है उन्होंने निकाला है पूरा का पूरा नारियल के तेल पूछू के लिए। मॉर्निंग गाइस, और ये मैं सुबह सुबह पराठे के साथ मैं खा रही हूँ मैगी, जो कि मुझे आज लगा कि थोड़ा मैगी खाते हैं, तो मैंने मैगी खाया। और सबसे बढ़िया बात ये है, मैंने घर से मतलब पापा ने ये घी कल निकाला है घर पे ही, और ये नारियल का तेल निकाला है घर पे ही, इतना सारा नारियल का तेल और घी, ये दोनों चीज़ घर पर निकल गया है। और ये नारियल का तेल इतना मतलब खुशबू जो है ना इसका, ये पूरा एकदम बहुत ही शानदार है। आप लोग ट्राई करना घर पे नारियल तेल लगा यूज़ करने का, और ये बेस्ट रहता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का दिन है, टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा है, और 9:30 बजे क्या है कि आज मैं जल्दी उठी थी, 5 बजे उठी थी, और मुझे थोड़ा जुकाम ही नाक बहरा है मेरे, मैंने मैगी खा ली, मैगी थोड़ा तीखा बन गया था। और आज क्या मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी को क्या कल थोड़ा सा फूड पॉइजन टाइप का कुछ हो गया है, तो इस वजह से मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी। और आज बेबी को जो मसाज करने आते हैं उनको, बेबी को थमाया करा, वहाँ पे बैठी करी, उनसे भी काफ़ी टाइम बातें की। और वो क्या जो आंटी आते हैं ना, बहुत अच्छी आंटी है, मतलब बढ़िया तरीके से बात बात करते हैं बच्चे को, बहुत उन्होंने इतना बढ़िया मालिश दे रहे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं छोटी बच्ची हो जाऊँ मुझे ही मालिश दे दे मैं, बट कोई बात नहीं, अब टाइम जा चुका है बचपन वाली। तो ये है गाइस कि आज मेरा यही है रूटीन रहा, सुबह मैंने पराठे और ये बना दिए, जूस बना दिए सबके लिए, जूस पी लिए, और अभी सोच रहे हैं कि कुछ खाना वाना बनाएंगे आज, थोड़ा मैं सोच रही हूँ मम्मी को रेस्ट करवाऊँगी और आज मैं बनाऊँगी खाना। एक्चुअली मेरे क्या ओडिया खाना मेरे से बनता नहीं है ढंग से, मैंने बचपन में बनाया नहीं था घर पे, मैं छोटी थी तो मम्मी ने बचपन में काम ही नहीं करवाया, और फिर एक टाइम आया मम्मी बोलती रही काम करने के लिए, मेरे मन नहीं करता था करने के लिए तो मैं नहीं करती थी, तो मैंने ये सब काम, मेरी दीदी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, मेरा जो खाना है मतलब शायद ऐसे कोई खा के इसे दूर फेंक दे, ऐसा टेस्ट आता है उसका ओडिया खाना में। और जो राजस्थानी टाइप का जो डिश होती है उसमें मीठी बन जाती है खाना, कभी तीखी बन जाती है, तो वो भी बेकार बनता है, तो कोई खाना बना के खिलाए उसका जो मज़ा है इसका और कोई तोड़ ही नहीं है, सॉरी होर ही नहीं है, एक होर वाली लैंग्वेज है, तो होर ही नहीं है उसका, तो ये चीज़ है। तो गाइस होर वाले से बहुत कुछ याद आ जाता है, तो अपन उस टॉपिक को थोड़ा सा साइड करते हैं, अपन इस टॉपिक पे जाते हैं वापस मूड चिल अप करके। ये है कि तो आज खाना मैं बनाऊंगी गाइस, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अगर मैं आज बनाती हूँ तो, नहीं बनाती हूँ तो मैं ट्राई करूंगी कि जितना शेयर कर पाऊँ उतना शेयर करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। तो अभी मैं खाना बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे खाना बनता है। तो गाइस अभी क्या दही बड़ा आ रहा है, दही बड़ा वाला बाहर था, मैंने उसको यहाँ से आवाज़ दिया, मैंने कहा इधर आ जाना, और उन्होंने वहाँ से बोल दिया हाँ आ रहा हूँ मैं, तो अभी वो उस साइड गए हुए हैं, अभी वहाँ से आएंगे, तो वो आएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बढ़िया सा दही बड़ा, और मौसम अभी बताती हूँ आपको, मौसम कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और ये मौसम है यहाँ का पूरा ग्रीनरी, और ये इधर पूरा ग्रीनरी, दही बड़ा वाला आया ही नहीं, आ रहा है रास्ते में। तो ये इस टाइप का है ये पूरा ग्रीनरी, और इधर इन्होंने पूरा बगीचा बनाया हुआ है खुद का, और ये उधर उन्होंने भी बनाया हुआ है खुद का, और इधर भी इन्होंने साइड में लगा हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे इन्होंने पूरे रास्ते में लगा दिया है फूल के पेड़। और आज यूजुअल मैं मेरी जगह पे आ गई, ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं रोज़ आके बैठती हूँ खाना खाने के टाइम पे,
क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठ के, ये मेरा छोटा सा एक टेबल है, टेबल मतलब इसका हाथ ये है, और यहाँ पे बैठ के मुझे खाना पसंद है, तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाऊंगी। मेरा दही बड़ा आ जाए तो दही बड़ा खा लूँगी सबसे पहले। दही बड़ा की वेट कर रही हूँ कि दही बड़ा आती ही पहले दही बड़ा पूसूँगी, मौसम इतना मस्त है इसलिए। और अभी शायद बाहर कुछ और आया हुआ है सामान, तो मैं आपको वो बताती हूँ। मुरमुरे होता है ना गाइस, मुरमुरे आया हुआ है, तो पापा अभी बुला रहे हो मुरमुरे वालों को, मुरमुरा है तो मुरमुरा लेके आओ। एक्चुअली आलू चॉप के साथ में मुरमुरे के जो टेस्ट होता है ना गाइस, वो आप सोच ही नहीं सकते, इतना मस्त टेस्ट होता है। आया है मुरमुरे, शायद मुरमुरा लेके आया गाड़ी में, तो अभी आपको बताते हैं। पानी पड़ जो देखो, इसके अंदर पानी गिरने का चांसेस है, तो अभी बोल रहे हैं मम्मी कि इसके अंदर पानी गिर जाएगा, ध्यान रखना। और मेरा दही बड़े वाला भी आ गया, और ये मुरमुरे रखा जा रहा है। ये पता नहीं कितने रुपए के होंगे, मम्मी कितने रुपए की है? 50 रुपये में पूरा बाल्टी भर के दे देंगे। मम्मी वो कंप्लेन कर रही है 50 में पूरा फूल करते हैं, 50 में आपने फूल नहीं किया। और ये दही बड़ा आ रहा है अपने पास में, दही बड़ा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये आने वाला है। और ये बारिश के साथ में दही बड़े की जो मज़े है वो खाली मैं ही समझ सकती हूँ। ये अभी अपना आया है दही बड़े, दही बड़े आया है, इतना मस्त टेस्टी और बहुत ही टेस्टी। और साथ में ये चल रहा है मैच, जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट घर वाले देख रहे हैं मैच तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी ये क्या है मेरे दही बड़े में खाने वाली हूँ। दही बड़े बोल रहे हैं मुझे खाओ, और भाई ये ला के दे दिए अभी चम्मच। ओहो हो, हेलो, सब लोग अच्छे होंगे आज। तो बात क्या है कि कभी कभी पहले यही लगता था कि यार अकेले वाली लाइफ जो है बहुत खुश होती होगी, बहुत अच्छा होता होगा अकेले रहना, और बहुत मज़ा आता होगा। लेकिन अभी सही बताऊं, जब से शादी वादी हो गई है, बीवी वगैरह बच्चे हो गए हैं, तो अब अकेले रहना मतलब बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब मन नहीं लगता है अकेले घर के अंदर। तो अब जो है खाना बनाने का टाइम आ गया है, अब अकेले तो खाना वाना बनाएंगे, जिसके अंदर में अब चावल है, चावल तो ऑलरेडी बने हुए हैं और मतलब उबले हुए हैं। अब मैं प्याज एंड आलू एंड टमाटर ये सब काट कटा के बनाएंगे आज फिर से चावल। रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है मेरी, और बना के जो है अभी खाएंगे, बताते हैं आपको। अब मेरा दिमाग पकने के साथ साथ खाना भी पक रहा है, खाना पक ही रहा है, और अभी चावल बनेंगे, चावल खाऊंगा और मस्त हो जाऊंगा। उसके बाद में काम पे लगना है, काम करेंगे। और आपसे शेयर करता हूँ मैं बाद में खाने के रिव्यूज़ वगैरह कैसे रहेगा खाना मेरा। पिछली बार जो मैंने बनाया था वो जल गया था, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मैंने पूरी मेहनत करके बनाया, अब भले ही जल गया हो यार क्या हो गया, चलता है, लेकिन आज अच्छा बनाऊँगा। इस बार मेरे चावल अच्छे बने हैं, और wow! अब मैं खाने वाला हूँ। मतलब फाइनली मेरी क्या कुकिंग स्किल्स जो पहले थी ना, वो अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई है शादी के बाद में, क्योंकि मैंने घर का काम छोड़ दिया था। तो अब जैसे जैसे मैं वापस घर का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी अकेला रह रहा हूँ, तो कुकिंग में सुधार आएगा, और हो सकता है मैं एक बेटर कुक भी बन जाऊँ बाद में, अगर ज़्यादा टाइम तक मेरे को पति ने अकेला रखा तो मैं मास्टर शेफ भी बन सकता हूँ। मजा आ गया इस बार, अल्टीमेट। ये तो समझाने के भी बाहर हो गया है, पॉसिबल ही नहीं लग रहा है मेरे को, इतना अच्छा खाना कैसे बना दिया। कुछ भी कहो, मजा आ गया, मजा मजा। आज मेरा मन तन सब कुछ सुख रहेगा।
और आज क्या है, सारा सामान मतलब सारा खाना जो है वो शायद मैंने बनाया है। ये मैंने शायद का मतलब यही है कि कुछ कुछ मैंने बनाया, कुछ कुछ मम्मी ने बनाया। ये गोभी है जो मैं बना रही हूँ, मैंने बनाया गोभी, गोभी की सब्जी। इसको ढक देंगे गैस की आँच सिम। ये दाल बनाया है मम्मी ने, ये मेरे लिए स्पेशल कच्चा पपीता की भाजी है जो मेरे लिए बना हुआ है, ये भी मम्मी ने बनाया। और ये साग है, ये भी मम्मी ने बनाया। और ये चावल है जो बन रहा है। बाकी गाइस साग तो अमेजिंग अल्टीमेट टेस्ट है, और क्रेडिट गोज़ टू माय मॉम। और हम जैसे कि हाथ में खाए खाना, तो हाथों हाथ धो लेंगे। और यहाँ का मौसम देखो, बारिश चालू है। ये गोभी कोरमा तो बन गया इधर, और इसमें मटर डला है इसलिए इसको गोभी कोरमा बोलते हैं, पीली मटर। और मेरा क्या, ये कैमरा जो है वो गैस गैस हो रहा है। और इधर देखो गाइस क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, मम्मी मम्मी के इधर चल रहा है चाय। इधर मम्मी के चाय बन रहा है, चाय बन चुका है। और चाय क्या है कि मम्मी के अभी तीसरी बार चाय पी रही है मम्मी। दो बार कैसे, दो बार। अच्छा, मम्मी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो आज दो बार चाय पी है। अभी टाइम हो रहा है, दिन के 1 बज रहे हैं। खाना खाने से पहले एक बार चाय पिया जाएगा, फिर चाय पीने के बाद में 2 घंटे बाद वापस चाय, फिर रात को 2 बार चाय, फिर उसके बाद खाना। मम्मी के खाना खाने से पहले कोई पानी पीता है, मम्मी के मम्मी पीती है चाय। और ये रही मम्मी, लोग तो हंसेंगे हंसेंगे ही, ये इतना टाइम कोई चाय पीता है क्या। और इधर हमारे आज यूजल चल रहा है मोदी जी, और उधर ब्रो जो है, ब्रो अपना काम कर रहा है, कुछ ब्रो का काम चल रहा है। ब्रो अभी गाना देख रहे हैं, गाना उनका गाना सुन रहे हैं तो। और ये मम्मी पानी पी रही है, और मैं खाना बना रही हूँ, मैं। गाइस मैंने क्या, सुबह एक पराठे के साथ मैगी खाई थी, और अभी एक पराठे के साथ में मैं खा रही हूँ गोभी, गोभी की सब्जी। और थोड़ी टाइम के बाद में शायद मैं चावल खाऊंगी। और अभी पुचू डार्लिंग जो है, पुचू ने आज उल्टी कर दी थी, पुचू को नज़र लग जाती है गाइस, तो पुचू को काला टिक्का थोड़ा आजकल ज़्यादा लगाने लग गए, तो ये चीज़ है गाइस। और ये मेरा कुछ गुआवा जूस आया है, अब मैंने आधा पी चुकी हूँ और आधा पेंडिंग है पीने के लिए। मन नहीं है पीने का, मम्मी ज़बरदस्ती ला के दी है कि बेटा पी ले, थोड़ा हजम हो जाएगा। मुझे नहीं पता गुआवा जूस से कब खाना हजम होने लगा है, वैसे मसाला गुआवा है तो हो सकता है उससे हो भी जाए। और आज यूजल पुचू जी जो है वो सो रहे। पुची भाई, पुचू पूछू। सो गाइस अभी इतना कुछ खाने के बाद में मुझे रात को वापस भूख लगी। चाबी क्या, हमारे वो दीदी आए नहीं है रोटी बनाने वाली, जो दीदी है तो वो आएंगे बनाएंगे, उससे अच्छा मैं पहले ही खा लूँ। मुझे चावल ही खाने हैं, और मैं ट्राई कर रही हूँ ये चावल।